दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने वाला वाले बटन पर क्लिक कर लें। आज जो आप ये स्क्रीन पर डॉग देख रहे हो, इसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप घरेलू क्या इलाज कर सकते हैं, और बाल बहुत से कारणों से झड़ते हैं, तो मैं कारण भी बताने वाला हूँ कि किस किस कारण डॉग के बाल झड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो डाल दें, उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और डॉग के बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि पूरे घर में फैल जाते हैं, और उनको साफ़ सफाई करने में दिक्कत होती है, या फिर खाने में कहीं भी जा सकते हैं, या फिर आप डॉग को उठाते हो तो आपके कपड़ों के चिपक जाते हैं। तो बहुत सी परेशानियाँ होती है जब अगर बाल झड़ रहे हैं तो अगर बाल झड़ रहे हैं कई उसके बहुत से कारण है। एलर्जी होती है, शरीर पर एलर्जी हो जाती है तो भी बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जेनेटिक समस्या होती है उसके कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं, या फिर जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं। और बहुत से कारण है, अगर खाना सही नहीं मिल रहा है, पोषक की समस्या है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। और अगर कई बार डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती है उसके कारण भी चमड़ी में इन्फेक्शन हो जाता है, सूखी सूखी हो जाती है चमड़ी, उसके कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग भी आप समय समय पर करवाते रहें डॉग की। और बहुत सी ऐसे कारण है जिसके कारण बाल झड़ते हैं। तो कई बार कैंसर वगैरह होती है तो आप डॉक्टर से चेक करवा लें। अगर ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, थोड़े बहुत अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो तो हार्मोन की वजह से झड़ते रहते हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, अगर एलर्जी नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, और कई बार बॉडी पे चकंदे से बन जाती है और उस पर डॉग खुजली करता है, काटता है, उसके कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं, तो आप पहले चेक कर लें। अगर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और अब हम बात करने वाले हैं कि हमें घर पे क्या इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग आप घर पे करवा सकते हो, ईजी पैट सिरप या डोनटाल, जो फेनवेंडाजोल पेरिक्यूंटल साल्ट वाली कोई भी सिरप आती है उससे आप डिवॉर्मिंग करवा सकते हो। और दूसरा, आप घर पे नींबू और पानी, नींबू को एक नींबू ले लेना है, उसकी आधा काट के आधे को पानी में मिला लेना है, उससे आपको नहलाना है, मतलब 2 या 3 दिन से रोज़ाना नहलाना है। नींबू के रस से नहलाने से भी बाल झड़ने रुक जाते हैं। और दूसरा, अगर आप सेब का सिरका ले लेना है और उसको भी बाल पे लगा सकते हो आप, तो उससे भी हेयर फॉल रुक जाते हैं। और दूसरा, अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप उसमें कंघी करते रहें। कंघी से क्या है कि वो बाल सारे कंघी में आ जाते हैं और वो फिर पूरे घर में नहीं फैलते हैं। और बहुत से जैसे आप घर पे इलाज कर सकते हो, नींबू का बता दिया, और जैतून का तेल भी आप अपने डॉग को लगा सकते हो, क्योंकि इसमें सूखी हो जाती है चमड़ी, उसके कारण आप जैतून का तेल लें और उसको अच्छी तरह मालिश कर दें बालों पे, उससे भी आप बाल झड़ने से रोक सकते हो। दूसरा, आप शैम्पू का डॉग का शैम्पू आता है उसी का यूज करें नहलाने में। कई बार क्या होता है साबुन वगैरह लगाते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकती है। अगर हार्मोन समस्या डॉग में बहुत कम होती है, अगर समस्या है तो आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, और उसको आपको लग रहा है कि हार्मोन समस्या हो सकती है तो डॉक्टर से चेक करवाएं और उसको दवा दिला सकते हैं आप। और एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें पता लग जाता है कि चमड़ी पर खुजली आती है, और डॉग कई बार पैर पे और कहीं पे ऐसी इन्फेक्शन होता है, तो और इसमें क्या होता है, अगर संक्रमण हुआ है तो एंटीबायोटिक दवा वगैरह दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है। अगर दाद है, खारिश हो रही है, तो इसमें एंटी फंगल दवाएं दी जाती है, तो आप अपने डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। अगर पर्यावरण की वजह से एलर्जी हो रही है तो एंटी साइटोक्राइन इंजेक्शन दे सकते हो। थायराइड की वजह से, हार्मोन की वजह से हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो अगर विटामिन ई, विटामिन ए और मछली के तेल से भी अगर त्वचा सूखी है, संक्रमण है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको डॉग को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉग की वीडियो भेज सकते हो जो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, तो उसके बाद आप कॉल कर लें, आपको जो ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा वो आप ट्रीटमेंट करवा लें, आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।